गोवर्धन पूजन व्रत कथा। गोवर्धन कथा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा का विधान किया गया है। इसे अन्नकूट के नाम से भी अभिहित किया जाता है। उस दिन सभी देवी मंदिरों में अन्नकूट की सजावट की जाती है, जिसमें देवी मूर्ति के समक्ष नाना प्रकार के पकवान बनाकर नैवेद्य के रूप में अर्पित किए जाते हैं। इस श्रृंगार को देखने के लिए मंदिरों में उस दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उस दिन ब्रजवासी नंद बाबा के नेतृत्व में इंद्र की पूजा किया करते थे, जिसे यंद्रयाग कहा जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर गोवर्धन नाथ की पूजा करें तो विशेष लाभ होगा। उनके कथनानुसार सभी ब्रिजवासियों ने वैसा ही किया और 56 भोग लगाकर गोवर्धन नाथ की पूजा की। इसके फल स्वरूप इंद्र देव कुपित हो गए और उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया कि तुम लोग मूसलाधार वृष्टि करके समस्त ब्रिज मंडल को बहा दो। मेघों ने लगातार 7 दिनों तक ब्रज पर घनघोर वर्षा की। इस प्रकार का दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की कानी उंगली पर धारण कर लिया। उस विशाल काय पर्वत के नीचे सभी गोपी को सुरक्षित रखा। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो इंद्र घबरा उठा। इंद्र को श्री कृष्ण के ईश्वरत्व का भान हुआ। उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनका दुग्धाभिषेक किया। वह अभिषेक दूध जिस स्थान में बहकर एकत्रित हुआ उसे सूरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का मान मर्दन किए जाने पर अन्नकूट का त्यौहार विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है।